रिकॉलिंग और ई टेंडरिंग के खिलाफ सरपंचों का धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। सरपंचों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री चौटाला व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी की महिला विंग प्रदेश सलाहकार डॉक्टर राजेश जैन ने सरपंचों को समर्थन देते हुए कहा कि ये जो सरकार है सरपंचों को दबाने का काम कर रही है, सरपंचों के अधिकारों को छीनने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मनोहरपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि विनोद ने कहा कि सरपंच सरकार के किसी भी रैली में हिस्सा नहीं लेंगे और हरियाणा में होने जा रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में काले झंडे दिखाकर सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन करेंगे। खाप पंचायतों में प्रधान और कंडेला खाप के सारी कार्यकारिणी जो जीन ब्लॉक में यहाँ सरपंचों का जो धरना लगा हुआ है उसका कंडेला खाप और सरो खाप पंचायत उनका समर्थन करती है। दो तीन मांगे हैं उनकी ई ट्रेंडिंग के बारे में, जैसे 20 लाख की इन्होंने सरकार अपने उसमें कहते हैं 2 लाख का काम बिल्कुल कुछ नहीं बढ़ सकता। एक दूसरी है जो रिकॉलिंग के लिए कराया है, ये MLA भी होनी चाहिए, सरपंचों पर नहीं होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि खाप पंचायतों की तरफ से कंडेला खाप की तरफ से भाई इनकी मांग है, इनकी मांग जायज है, सरकार इनसे बातचीत करके इनकी मांग को मान ले, क्योंकि आज 36 बिरादरी के लोग जिस तरह सरपंच अगर रोडों में बैठेंगे तो गांव का कैसे विकास होगा। और इसके बाद भी जो भी हमारे जो खेलों में जो हम बैठे हैं वहां पर ऑल इंडिया जो जंतर मंतर पर उसका भी उनका भी हम खाप पंचायतों की तरफ से जो खिलाड़ियों की जो मांग है केंद्र सरकार उनसे बातचीत करे, क्योंकि खिलाड़ी हमारे देश का मान सम्मान है और हमारा हरियाणा का तो खिलाड़ी इतना देश का मान सम्मान बढ़ा है, उनकी मांगों को मानने इनके बारे में हम आज यहाँ। संयुक्त किसान मोर्चा की 26 तारीख को होने वाली रैली का भी समर्थन किया है आपने? हाँ, उसमें हमने कहा है जो हमारे जो किसान हैं उसका हम समर्थन करते हैं। मांडूखेड़ी के सरपंच अनिल ने सरकार पर तानाशाही करोली अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नैना चौटाला अपने बेटे दुष्यंत चौटाला से सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कहे। हरियाणा आज के लिए जींद से संजय तिरंगाधारी की रिपोर्ट।